الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدس يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما عذبته بالنار أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ربنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم सिलसिला तो अलस्मा हस्न अलहमदल आज तेरहवा दिन है अल्लाह व के फजल ख़ास से उसकी तो़ीक़ हसन से ये सिलसिला चल रहा है अल्लाह ताली इसको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए अल्लाह इन नामों के मारिफ हमें अता फ़रमाए इनके हकाइक से वाबस्ता फरमाए अल्लाह ताला इन नामों की तजल्लियात हमें अता फ़रमाए और इन नामों में हमारे लिए जो मारिफत की चीज़ें और सबक की बातें हैं अल्लाह उसको अपनाने की हमें तौफीक अता फ़रमाए आज के दिन अल्लाह व वजल्ला का एक बहुत ही प्यारा नाम और अल्लाह के सारे ही नाम बड़े प्यारे हैं, अल-मुतकबिरु हैंमतकबरु जल अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा ख़ास नाम है जो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं हो सकता अगर कोई और इस नाम को लेने की कोशिश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर बड़े गज़बनाक होते हैं बहुत नाराज़ होते हैं और उससे इस नाम को छीन लेते हैं अलमतकबरु जल जलालहु ये नाम क़ुरान मजीद में सिर्फ़ एक जगह सुर हशर की आखिरी आयत में जो अभी पढ़ी गई उसमें वारिद हुआ है जब्बार जो कल था और उसके बाद अल जल जल्ला लहो यह अल्लाज वजल का बड़ा मुबारक नाम है और उसी को ये इस नाम का हक़ है उसके अलावा किसी को भी इस नाम का हक़ नहीं है तकबुर ये लफ्ज़ हम अपनी ज़बान में किसी न किसी दर्जे में इस्तेमाल करते हैं और जिस किसी आदमी के बारे में बोलते हैं तो नापसंदीदगी के साथ बोलते हैं फुला आदमी बड़ा तकबुर वाला है उसमें बहुत तकबुर भरा हुआ है फुला बहुत मतकबर है तो इंसानों के बारे में जब ये मुबा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो ये बुराई है किसी इंसान में ये सिफत आ जाए वो मुतकबर बन जाए उसमें तकबर आ जाए तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बुराई है लेकिन यही लफ्ज़ जब अल्लाह वजल के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इंतहाई अली दर्जे की तारीफ़ है ज़रा ग़ौर कीजिए कि यह लफ्ज़ अगर अल्लाह अज़्ज़ा व वजल के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये बड़ी आला दर्जे की तारीफ़ है उसके कमाल की इंतहा है और उसकी ख़ूबी की इंतहा है लेकिन यही लफ्ज़ जब मखलूक के लिए इस्तेमाल किया जाए इंसान के लिए और किसी और मखलूक़ के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यही लफ् बुराई बन जाता है और ऐब बन जाता है आप सोचेंगे कि ये कैसा लफ्ज़ एक ही है एक के लिए तारीफ़ है तो दूसरे के लिए बुराई है हाँ ऐसा होता है इन मिसाल से बात समझ में आती है कि एक ही लफ्ज़ है एक आदमी इस्तेमाल करे तो उसकी तारीफ़ बन जाती है और दूसरा आदमी इस्तेमाल करे तो उसकी बुराई बन जाती है मिसाल से हम पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं एक इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा मोहताजगी लाक हो गई लाखों करोड़ों रुपये की उसको ज़रूरत है उसके मुतालिकीन में से एक आदमी है जो ये कहता है कि मैं बहुत मालदार हूँ जब यह आदमी उसके पास गया और उससे कहा कि मुझे बड़ी मोहताजगी पेश आई है मुझे इतने लाख या इतने करोड़ रुपये की ज़रूरत है तो हकीकत ये निकली कि उसके पास तो कुछ भी नहीं था उसके पास तो माल था ही नहीं तो उसने जो ये कहा था कि मैं बहुत मालदार हूँ ये मालदारी का इजहार करना उसके हक में तो बड़ा ऐप बन गया कि उसके पास माल था नहीं और उसने मालदार होने का इजहार किया तो ये झूठा आदमी है हर आदमी इसकी बुराई करेगा कि यह आदमी कितना झूठा है जब माल नहीं था तो कहने की क्या जरूरत थी कि मैं मालदार हूँ कि उससे कोई उम्मीद लगा लेता और दूसरा एक रिश्तेदार था उसने भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि मैं बहुत मालदार हूँ कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कहना अब यह आदमी उसके पास गया अपनी ज़रूरत का इजहार किया उसने कहा कितने की ज़रूरत है पचास लाख किलो ले जाओ पचास लाख रुपये दे दिए उसकी ज़रूरत पूरी कर दी ये आदमी हकीकत में मालदार था और उसने अपनी मालदारी का इज़हार किया था तो इसके हक में ये तारीफ बन गई कि इसने जो अपनी मालदारी का इज़हार किया था उसमें वो सच था झूठ नहीं था एक आदमी यूँ कहे कि मैं बहुत बड़ा बहादुर हूँ जब कोई खौफ़ का मौका आया तो उसको बुलाया गया कि हज़रत चलिए आप कह रहे थे कि मैं बड़ा बहादुर हूँ बहुत जंगजू हूँ तो वो तो बिगी बिल्ली की तरह अंदर दब के बैठ गया बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है तो उसका ये कहना कि मैं बड़ा बहादुर हूँ ये उसके हक़ में बड़ा ऐब है और दूसरे एक इंसान ने भी यही लफ्ज़ कहा था कि मैं बड़ा बहादुर हूँ और जब ऐसा कोई खौफ़ का मौका आया और बाहर निकल आया बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और खौफ को दूर कर दिया तो उसके हक में ये लफ्ज़ मैं बड़ा बहादुर हूँ ये तारीफ़ और कमाल बन गया ये तो इंसानों के एतबार से मिसाल है जब अल्लाह अज वजल ये फरमाए कि अनलमतकबर मैं बड़ा मतकबर हूँ मैं बड़ी बड़ाई वाला हूँ मैं बड़ी अजमत वाला हूँ तो अल्लाह के हक़ में ये लफ्ज़ इंतहाई दर्जे की तारीफ़ लेकिन अल्लाह के अलावा कोई इंसान नौजुबिल्ला ये कहे कि मैं मतकबर हूँ मैं बड़ा हूँ मैं आज़मत वाला हूँ मेरी शान बड़ी है कोई इंसान ये कहे तो ये झूठा है इसलिए कि उसमें किबरियाई है ही नहीं उसमें बड़ाई की चीज़ है ही नहीं ये झूठ बोल रहा है ऐसी चीज़ का इजहार कर रहा है जो उसमें है नहीं इसलिए बुरा है ये ऐब है और अला अज उजल जब यूँ कहता है कि मैं बड़ाई वाला हूँ मैं कीब्र वाला हूँ मैं अजमत वाला हूँ तो ये उसके हक़ में तारीफ़ है इसलिए कि वह हकीकत में बड़ाई वाला है वह हकीकत में किबरियाई वाला है वह हकीकत में आजमत वाला है इसलिए उसका ये कहना ऐब नहीं बल्कि कमाल है तारीफ है बहरहाल तो ये पहली बात हुई कि अलमतकबर जब अल्लाह के हक में बोला जाए तो ये इंतहाई दर्जे की तारीफ़ और कमाल है और अल्लाह के अलावा के हक़ में जब बोला जाए तो इंतहाई दर्जे का ऐब है और इंतहाई दर्जे का नक्श है और ख़ामी है अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत फरमाए अब आते हैं इसका लोघवी माना क्या है अलमतकबर यह लफ्ज़ किस से बना है तो ये भी हम अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं जैसे मैंने अभी जिक्र किया ये लफ्ज़ बना है काफ बा और राह किब्र किब्र से बना है किबरियाई से बना है इसी से हम एक लफ्ज़ बोलते हैं कबीर कबीर माना बड़ा कबीर वन बोलते हैं बहुत बड़ा जंगल है कबीर वन और कबीर का लफ्ज़ अल्लाह के बारे में भी बोला जाता है अल्लाह कबीर अल्लाह बहुत बड़े हैं तो कबीर का लफ्ज़ हम बोलते हैं इसी तरह एक लफ्ज़ तो हम रोज़ाना हज़ारों मरतबा बोलते अल्लाह अकबर ये अकबर का लफ्ज हम बोलते रहते ये भी काफ़ बार ऐसे ही बना है उसके शुरू में हमज़ा लगा दिया तो अकबर बन गया तो इसमें भी बड़ाई के माना है अजमत के माना है तो ये लफ्ज़ किब्र से किबरियाई से बना है इसी से कबीर और अकबर भी आता है इसी को एक ख़ास वज़न में ढाल दिया गया तो लफ्ज़ बन गया अलमतकबर मैं अरबी की बाहस में ज़्यादा नहीं जाता हूँ इसलिए कि बहुत से अवाम भी सुनते हैं फिर वो बोर होंगे कि ये क्या चीज़ हो गई लेकिन अरबी ज़बान इतनी प्यारी ज़बान अल्लाह में इसका इश्क अता फरमाए एक बात मैं बीच में आर्ज करूँ अरबी सीख लेना ये इंसान के लिए बहुत बड़ी खैर की चीज़ है बहुत बड़ी भलाई की चीज़ है कि सिर्फ़रबी सीख लेने से वो इन श्ला से बहुत करीब हो सकता है दिन रात में हम जो इबादतें करते हैं नमाज पूरी हम आरबी में पढ़ते हैं कोई एक लफ्ज़ भी उर्दू का अगर या गुजराती का या अंग्रेज़ी का बोल दे तो नमाज़ टूट जाएगी पूरी नमाज अल्लाह अकबर से लेकर असल तक अरबी में है क़ुरान अरबी में है जिक्र हम अरबी में करते हैं सुबहान अल्लाह ला अकबर कोई इसका तर्जमा करके अल्लाह की तारीफ़ नहीं करता बल्कि हम ये तमाम चीज़ें अरबी में इस्तेमाल करते हैं लेकिन अरबी न आने की वजह से हम उसके माना नहीं जानते इसलिए उसके माना न जानने की वजह से उसकी चाशनी उसकी शीरी नहीं और उसकी जो अज़मत है उससे महरूम है कोई भी जबान अगर आप समझ कर बोलते हैं तो आपको उसका मज़ा आएगा सुनने का भी मज़ा आएगा बोलने का भी मज़ा आएगा लेकिन अगर किसी ज़बान को आप समझते नहीं है तो सुनने का भी वो लुत्फ़ नहीं है और बोलने का भी वो मज़ा नहीं है इसलिए कोशिश करनी चाहिए आज दुनिया में लोग कौन कौन सी जबानें सीखते हैं इंग्लैंड जाने वाला अंग्रेज़ी ज़बान सीखता है फ्रेंच फ़्रांस जाने वाला फ्रेंच ज़बान सीखता है जापान जाने वाला जापानी ज़बान सीखता है चाइना जाने वाला चाइनीज़ ज़बान सीखता है हालाँकि बड़ी मुश्किल इसके मुकाबले में आरबी बहुत आसान भी है बोलते तो हम बचपन से हैं बस थोड़ा उसको समझने की कोशिश की जाए बायदा थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो इनशाला बहुत आसानी से ये ज़बान सीख लेंगे और ये जबान सीखने के बाद जो हमें मज़ा आएगा उसको मैं बयान नहीं कर सकता बहरहाल तो ये तो जिमनन बात आ गई तो यह लो इस्तेमाल कर अरबी ज़बान में अल मुतकब्बिर। ये, ये बाब तफा में चला गया इसमें ता आ गई तकबर उसमें काफ बार आ के शुरू में ता है ये ता कौन से माना में तखसस के लिए तखसीस के लिए अल्लाह के अकेले होने को बयान करने के लिए कि यह किबरियाई ये बड़ाई अल्लाह ही के साथ ख़ास है वही अकेला इसका मालिक है और कोई उसका मालिक नहीं हो सकता और वैसे बाब तफाउल अरबी में जहाँ आता है उसमें तकल्लुफ़ होता है तकल्लुफ़ का माना क्या कि एक चीज़ इंसान में नहीं है और वो दिखाने की कोशिश कर रहा है जिसको उर्दू में कहते बनावट खूबसूरत नहीं है लेकिन मेकअप करके अपने आप को खूबसूरत दिखा रही है या दिखा रहा है तो ये है तकल्लुफ़ मालदार नहीं है लेकिन खाम खा अपनी मालदारी जाहिर कर रहा है तो ये तकल्लुफ़ है तो मुतकब भी जब इंसान के लिए बोला जाता है तो इसमें तकल्लुफ़ है कि वो बड़ा नहीं है लेकिन अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है है नहीं बड़ा हकीकत नहीं है लेकिन वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है वो झूठा है इसलिए उसको मतकबर कहते हैं बहरहाल अल्लाह तबारक का तआला का लफ्ज़ अलमतबरु ये, ये किब्र से किबरियाई से बना है जिसके माना बड़े होने के हैं, अजीम होने के हैं बुलंद शान और बुलंद मरतबे वाले होने के हैं असल माना उसका है अम्तिना व आदमलान्क़ियात किब का असल माना है अपने आप को अपने आप तक पहुंचने से लोगों को रोक देना अपने आप को बचा लेना लोगों से और अदमुल इम्कयात यानी किसी का ताबे ना होना सबको अपने ताबे कर देना ये कौन करता है जो बड़ा होता है वो लोगों को अपने तक नहीं पहुंचने देता है माल में अपने तक नहीं पहुंचने देता है ये बड़ा आदमी है अपने इज्जत में लोगों को अपने तक नहीं पहुंचने देता ये बड़ा है किब्र और खूबसूरती में अपने तक लोगों को नहीं पहुंचने दे ये बड़ा ही है इसी तरीके से में अपने तक लोगों को नहीं पहुंचने देता ये बड़ा ही है और वो किसी के सामने झुकता नहीं किसी की ताबेदारी नहीं करता है सबको अपने ताबे बनाता है ये असल लफ्ज़ का माना है फिर अल्लाह ताला के अतबार से इसका माना क्या होगा तो उलमा ने पाँच छः मानी जिक्र फ़रमाए हैं इसको समझते जाए इन अल्लाह की आज़मत दिल में आती चली जाएगी अलमतबर ये ऐसा लफ्ज़ है कि इसको सुनते ही इंसान अपने आप को इंतहाई दर्जे में छोटा समझता है कि अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा उससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं उसकी बड़ाई तक हमारे दिमाग की रसाई नहीं वो इतना बड़ा है कि जहाँ तक हम पहुँच सकते उससे भी वो आगे बढ़ा है तमाम इंसानों की मारिफत जहाँ ख़त्म होती है अल्लाह अकबर अल्लाह उस सबसे भी बड़ा है तो अलमतकबर का पहला माना ने बयान फरमाया अलिक जो पीछे गुजरा है मलिक बादशाह चुन चे कुरान मजीद में है फिर ने कहा था अपने हज़रत मर्सा और हज़रत हारून से कि अजी तना तलफित तो इसलिए आया है ताकि हमें अपने बाप दादाओं के मज़हब से फेर दे दें वकून लकु मलकबरिया और इस सरज़मीन यानि मिस्र में तुम्हारी बादशाहत चले किबरिया यहाँ बादशाह के माना में है तो अलमतबर का एक माना है अलमलिक और वो किसको कहते हैं माना बयान की अलमलिक अलदीला जूल सुल्तान अलमतकबर यानी वो बादशाह जिसकी बादशाही को कभी जवाल नहीं जिसकी बादशाही कभी ख़त्म होने वाली नहीं वलए जरीफ़ी मुल्कि हीद और उसकी सल्तनत में उसकी बादशाहत में वही होता है जो वो चाहता है उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होता उसको कहते अलमतकबिर जिसके ऊपर कोई दूसरा गालिब नहीं आ सकता जिसकी बादशाही को कोई ख़त्म नहीं कर सकता जिसकी बादशाही को कोई छीन नहीं सकता वो अलमुतक भी रहे तो पहला माना अंदाज़ा लगाइए अल्लाह की अजमत का दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह हो दस साल पंद्रह साल बीस साल पचास साल सौ साल कितनी हुकूमत करेगा एक दिन या तो वो बादशाह को छोड़ के चला जाएगा या बादशाह उसको छोड़ के चली जाएगी लेकिन अल्लाह अज वजल अलमतकबर वह ऐसा बादशाह है कि कोई उसकी बादशाहत तक पहुँच ही नहीं सकता कोई उसकी बादशाहत को ख़त्म नहीं कर सकता उसकी बादशाहत कभी ख़त्म होने वाली नहीं है लाजवाल है अलमतकबर का पहला माना, दूसरा अल अलमतकबर का कबीर अल्लाह का एक नाम अलकबीर भी आगे आएगा वो भी इसी में दाखिल है बड़ा अलबीर और अलज़ीम तो दूसरा माना है कबीर अज़ीम यानी बड़ी किबरियाई वाला बहुत बड़ा और बहुत आज़मतों वाला बहुत बड़ा और बहुत आजमतों वाला उसकी आजमत को आप एक मिसाल से समझिए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कुरान मजीद की सूरह जुमर चौबीसवें पारे में एक आयत है वमा कदर हक का और लोगों ने अल्लाह की ऐसी क़दर नहीं की जैसी उसकी क़दर करने का हक़ है लोगों ने अल्लाह की ऐसी आजमत नहीं की जैसी उसकी तज़ीम का हक है वलरदू जमी अन कब होलिया वसमावा तुम भी अमीन सुबह न हो वाम ज़मीन आप देखते हैं हमने जो ज़मीन देखी वो तो बहुत महदूद है ज़मीन का किनारा लोगों को मिला नहीं है आसमान इंसान की निगाहें और उसकी रसाई सब ख़त्म हो जाए लेकिन आसमान की वसातें ख़त्म नहीं होती ये कितनी बड़ी मखलूक है अल्लाह की आज़मत को समझने के लिए कुरान मजीद की शायद को समझिए उमा कदर हक्र ही वलअर्द जमीन कबरत हो यामत का दिन होगा ये पूरी रुए ज़मीन ज़मीन भी और समुंदर भी सबको कबरत हो ये वो कियामा वो अपनी मुट्ठी में ले लेगा पूरी ज़मीन को इस पूरी ज़मीन को अपनी मुट्ठी में दुनिया वाले कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में आइडिया बदले दुनिया ये एडवर्टाइज़ आती है वो कौन दुनिया को मुट्ठी में कर सकता है वो खुद दुनिया की मुट्ठी में है लेकिन अल्लाह व वजल इस पूरी ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लेगा ले कब्ज़ा मतलब मुट्ठी अपने हाथ में यूँ ले लेगात ले और जितने आसमान हैं सातों आसमान मकोिया तुम भी अमी लपेट के उसके दाने हाथ में आ जाए इससे इतने बड़े आसमान और इतनी बड़ी ज़मीन को जो अपनी मुट्ठी में ले ले उसकी अज़मत उसकी क़वत उसकी ताक़त उसका इल्म उसकी सल्तनत उसका कोई अंदाज़ा लगा सकता है सुबह न हो बहुत पाक है वो ज़ात व तला अम्मायुशरी और अल्लाह के साथ जिन चीज़ों को ये शरीक ठहराते हैं वो तो इंतिहाई पस्ती में और ज़िल्लती में है अल्लाह तो था आला बहुत बुलंदोबाला है जहाँ तक किसी की रसाई नहीं हो सकती ये आयत करीमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर तिलावत फरमाई मुस्नद अहमद की रिवायत है मिंबर पर खड़े होकर तिलावत फरमाई और फिर फरमायाकूल अल्लाह फरमाएगा अल्ला अनल जब्बार अनलमतकब्बर अनल मुतली अनल जब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्बार अनल मतकबर अनल मुतलीरमाएगा अन जब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्बारनल मतकबर अनल मतअली नबी अक्रमल व व पर खड़े होकर यह अल्फाज बार बार इर्शाद फरमाते रहे यहाँ तक कि मस्जिद काँपने लगी आपकी आवाज़ से साहबा फरमाते हैं कि हमें अंदेशा हुआ कि कहीं आप मिंबर से गिर न पड़े अल्लाह की अज़मत का इस कदर गलबा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाला वसल्लम पर इस कदर गलबा हुआ अल्लाह की अज़मत का कि साहबा फरमाते हमें अंदेशा हुआ कि कहीं आप गिर जाएंगे ये अल्लाह ताला की आज़मत है वह कितना अजमत वाला सारी कायनत उसके कब्जे में वो कितना बड़ा जिसने इतना बड़ा आसमान बनाया वो खुद कितना बड़ा जिसने ऐसी ज़मीन बनाई वो खुद कितना बड़ा जिसने ऐसे हिमालय जैसे ऊँचे पहाड़ बनाए वो खुद कितना बड़ा इतनी बड़ी कायनात और ज़मीन क्या है ज़मीन से सूरज चांद सूरज ज़मीन से हज़ारों गुना बड़ा है चांद ज़मीन से हज़ारों गुना बड़ा सितारे उससे कितने बड़े हैं जिसने इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ बनाई जिसने इतने बड़े बड़े फरिश्ते बनाए फरिश्तों के बारे में जो रिवायतों में बातें आई हैं वो कितने अजीम और उनका हजम कितना बड़ा उनका साइज़ हजरत जबरील के कितने पर और दो पर पूरी मशरक़ को, मग़रब को छुपा ले, और ऐसे तो कई पर है तो ऐसे एक फ़रिश्ते नहीं हज़ारों लाखों करोड़ों की ता, ला, ता, ला महदूद तादाद में फ़रिश्ते बनाए वो अल्लाह खुद की जिसने जन्नत बनाई जिसने जहन्नम बनाई वो खुद कितना बड़ा उसकी किबरियाई उसकी अजमत कितनी बड़ी इंसान इसको अपने दिल में बिठाए कबीर है अजीम है और ये अजमत कैसे तज़ीम कैसे है? हासिल होगी तफक् और फिकल किल्ला की मखलूक में गौर व फिक्र उसकी बड़ी मखलूक को देख कर ये कहना कि ये बहुत बड़ा है अरे जिस वो ये जिसने बनाया वो कितना बड़ा उसकी अज़मत कितनी बड़ी उसकी क़वत कितनी बड़ी लोहा इतना ताकतवर है तो फिर वो अल्लाह कितना ताकतवर जिसने लोहे को बनाया फरिश्ते इतने ताकतवर कि ज़मीन को एक उंगली पर उठा कर ले जाए और नीचे पटख दें तो फिर वो फरिश्तों का पैदा करने वाला कितना बड़ा उसकी ताकत कितनी अलमतकबर इन चीज़ों को सोचने से अल्लाह की आज़मत उसकी किबरियाई उसकी बड़ाई दिल में आती हैजमत लाकवरिया तो ये अल्लाह की आज़मत को सोचना और उसको बयान करना बार बार इसको अपने दिल में लाना ये इंसान के दिल पर एक ख़ास अपना असर पैदा करता है अल्लाह की अजमत के सामने इंसान अपने आप को ज़र्रे बे समझे कि मैं क्या और मेरी हैसियत क्या वो अल्लाहमुतकबर है वो कितना बड़ा उसकी आज़मत कितनी बड़ी उसका इल्म, उसकी कुदरत उसकी हमत सब चीज़ों के बारे में इंसान ग़ौर करे जितनी अल्लाह की आज़मत होगी इतना ही अल्लाह काब मिलता चला जाएगा इंसान के दिल में अल्लाह की जितनी आजमत होगी वो इंसान अल्लाह से इतना ही करीब होगा अल्लाह की जितनी आजमत होगी इबादतों में वजन इतना ही ज़्यादा होगा सुबहान ही व भी हमदी ही सुबहान अल्लाजीम अमर रुको फ़ीम उफी है रब रुकू में जाओ तो रब की आजमत बयान करो सुबहान रबी अल ये अल्लाह की अजमत है जितनी आजमत दिल में आती चली जाएगी इतनी हमारी इबादतों का वजन बढ़ता चला जाएगा ये कलिमा तो सब अपनी जबान से निकालते अकबर लेकिन हर एक की तस्बीह का वज़न एक जैसा नहीं है किसी की तस्बीह दूसरे की तस्बीह के मुकाबले में लाखों करोड़ों गुना ज्यादा वज़न ही हो सकती है और उसमें वज़न आएगा कैसे सवाब में इजाफा होगा कैसे दिल में जितनी अज़मत होगी इतना ही इजाफा होता चला जाएगा इसलिए अल्लाह की अज़मत को अपने दिल में बिठाना उसकी किवरियाई को बिठा किसी बुज़ुर्ग ने कहा तजाल तलरब का अहवन ना नहीं लई देखने वालों में सबसे कम तरीन देखने वाला अपने रब को मत समझ लेना कि इंसान छोटे से बच्चे के देखने के खौफ से तो गुना छोड़ देता है और अपने रब के देखने के खौफ से गुना नहीं छोड़ता तो गया उसने अपनी नज़र में अल्लाह की आजमत ही नहीं रखी अगर अल्लाह को अजीम समझता अल्लाह को बड़ा समझता तो बड़े के हुक्म की कोई ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करता बड़े के हुक्म की कोई ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करता जो अल्लाह को बड़ा नहीं समझता है वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है आप सुप्रीम कोर्ट को बड़ा समझते हैं तो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते अल्लाह को अगर हम बड़ा समझते तो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी न कर सकते जितनी अजमत बंदे के दिल में आएगी इतना बंदा अल्लाह से करीब होगा और जितनी अजमत कम होती चली जाएगी अल्लाह की नज़रों से गिरता चला जाएगा किसी आलिम ने पूरी उम्मत के मर्ज़ की तशीस की है हान अल्लाु फ़ी क्लो ब फहान फ़ी आई उनके दिलों में यानी उम्मत के दिल में अल्लाह की आज़मत कम हो गई तो अल्लाह की नज़रों से गिर गए अल्लाह की नज़रों से गिर गए लिहाज़ा अल्लाह की आजमत बड़ी है हम माने या ना माने अल्लाह तो अजमत वाले हैं जो इंसान अपने दिल में जितनी इस नाम की मारिफत पैदा करेगा अल्लाहमुतकबर है कितना बड़ा है। उसकी किबरियाई को जितना बिठाएगा जितना बिठाएगा उतना ही वो अल्लाह तबारक वाल से करीब होता चला जाए लिहाजा खलबत के गुनाहों से अपने आप को बचाएँ तन में गुनाह न करे अल्लाह देख रहा है अल्लाह बड़ा है उसको कम न समझे उसके किसी हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी से अपने आप को बचाए बहुत से लोग फ़राइज बेधड़क छोड़ते हैं नमाज बेधड़क छोड़ते अल्लाह की आज़मत नहीं है वरना अल्लाह की तरफ से बुलावा है आल सला और फिर इंसान ना आए इससे बड़ा तकबुर और क्या हो सकता है अल्लाह की बे यानी इसको मैं समझाने के लिए कहूँ अल्लाह माफ़ फरमाए कि ये किसी का इंसल्ट है अगर उस्ताद अपने शागिर्द को बुलाए कि बेटे यहाँ और वो ना आए दूसरी मरतबा बुलाए कि यहाँ वो ना आए तो ये उस्ताद का प्रिंसिपल का मोहतमीम का इंसल्ट है या नहीं है बाप अपने बेटे को कहे बेटे पानी दो और बेटा पानी ना दे दूसरी मरतबा कहे बेटे पानी दे लेकिन वो पानी ना दे ये बाप का इंसल्ट और उसकी ही है या नहीं कि बाप के हुक्म की आपकी नज़र में कोई वक़ात नहीं हालांकि बाप बड़ा है उस्ताद बड़ा है तो अल्लाह तो सबसे बड़ा है वो अल्लाह हुक्म दे नमाज पढ़ो और हम नमाज ना पढ़े तो ये अल्लाह के हुक्म को हमने इग्नोर किया नजरअंदाज किया वो अल्लाह के इस हुक्म की हमारी नजर में कोई वकात ही नहीं ये दिल में से अल्लाह की आजमत के निकलने की वजह से सारी मुसीबतें और परेशानी आ रही बहरहाल तीसरा माना अलमुतकबर का बयान फरमायांजुल मिले वो बड़ा है अपने बंदों पर जुल्म करने से बड़ा है इसलिए अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता अपने बंदों पर जुल्म करने से बहुत बुलंदोबाला है चौथा माना ने बयान फरमाया हर बुराई से हर शर से वो बहुत बुलंदोबाला है बहुत ऊँचा है कोई शर और कोई सू और बुराई उस तक नहीं पहुँच सकती और पांचवा माना अलमान बयान फरमाया मतखब्बिर अनकबुल शिरक वो इतना बड़ा है कि शर्क को कबूल नहीं करता बड़े लोग घटिया चीज़ें कबूल नहीं करते अल्लाह इतना बड़ा इला अस आदू अल्के मतय अच्छी अच्छी बातें उस तक जाती है गंदी बातें उस तक पहुँचती नहीं तो शिरक को कबूल करने से बड़ा है लिहाजा हदीस में फरमाया हदीस खुद से अन अगन शो रखा यानी शिरक जितने शरीक हैं जितने पार्टनर हैं उनमें मैं शिरक और पार्टनरशिप से भागीदारी से सबसे ज़्यादा बेनियाज हूँ मन आमिल जो आदमी कोई अमल करे उसमें मेरे साथ किसी दूसरे को शरीक कर ले मैं उसको और उसके शरीक को छोड़ देता हूँ मैं उसमें से निकल जाता हूँ इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं शिर खफी छुपा हुआ शिर दिया अल्लाह के साथ इबादत में किसी को शरीक करना किसी और को दिखलाने की नीयत करना ऐसे अमल को अल्लाह कबूल नहीं फरमाते बहरहाल आल चंद मानी अलमतकबर केमा ने बयान फरमाए अल अलमतकबर अल्लाह ने अपनी शान बयान फरमाई कि मैं सबसे बड़ा हूँ मुझसे बड़ा कोई नहीं मैं अकेला बड़ा हूँ मेरे सिवा कोई बड़ा नहीं ये अल्लाह ने अपनी शान बयान फरमाई कि अल्लाह सबसे बड़ा है अब इसका तकाजा किया है इंसान की फितरत है कि वो बड़े के सामने झुकता है ये इंसान की फितरत है क्यों इसलिए कि उससे उसको कोई नफ़े की उम्मीद होती है या नुकसान का खौफ होता है इसलिए उसके सामने झुकता है ताकि उसका नुकसान न पहुँचे और उसके फ़वाद हासिल हो अल्लाह अपनी पहचान करवा रहा है मारिफत हासिल करवा रहा है कि मैं अल्मतकबर हूँ सबसे बड़ा मैं अकेला हूँ कोई बड़ा नहीं अकेला अल्लाह सबसे बड़ा है तब तो इसका तक यह है कि हम अल्लाह ही के सामने झुके अल्लाह ने अपनी शान किबरियाई इसीलिए बयान की है कि बंदे उसके सामने झुके बंदे उसको बड़ा समझे और उसको बड़ा समझ कर अपनी छोटी छोटी मुसीबतें उसके सामने ले जाए कि तू बड़ा है तू ही मेरी मुसीबत को दूर कर दे जैसे इलाके में कोई सरदार हुआ करता था पहले ज़माने में वो कबीले में किसी के ऊपर कोई मुसीबत आए वो सरदार के पास जो बड़ा होता था कबीले का उसी के पास जाते थे कि सरदार हमारी इस मुसीबत को दूर कर देगा तो अल्लाह ने अपनी पहचान करवाई कि मैं अलमतकबर हूँ मैं सबसे बड़ा हूँ लिहाजा तुम्हारी सारी मुसीबतों का हल मेरे पास है तो मेरे पास आओ ना, जैसे कोई आदमी उसको अल्लाह ने कोई कमाल दिया हो वो अपने उस कमाल को ज़ाहिर करे डॉक्टर अपनी गाड़ी के पीछे एक निशान लगाता है आज के पहले वो क्रॉस लगता था लेकिन अब डॉक्टरों का निशान बदल गया सुई धागे का निशान डॉक्टर ने अपनी गाड़ी के पीछे लगाया क्यों कि रास्ते में किसी को इमरजेंसी इलाज की ज़रूरत पड़े तो ये गाड़ी वाले को देख कर खड़ा करो कि ये डॉक्टर है उसने अपनी पहचान करवाई कि मैं इलाज के लिए तैयार हूँ कोई आलिम है वो अपने नाम के आगे मौलवी लगाता है अपने इल्म का इजहार करता है क्यों कि किसी को इल्म की ज़रूरत हो तो मेरे पास आए कोई मुफ्ती है वो अपने नाम के आगे मुफ्ती लगाता है वो इसलिए लगा रहा है इसलिए जाहिर कर रहा है कि किसी को मसाला पूछना है तो मुफ्ती साहब से पूछो तो ये सिफात को जाहिर किया इसीलिए जाता है कि किसी को इसकी जरूरत हो तो आ जाए तो अल्लाह ताला ने अपनी ये शान हमारे सामने बयान फरमाई कि मैं अलमतकबर हूं क्यों इसलिए शान बयान फरमाई ताकि हम उसको बड़ा माने और उसकी इबादत करें उसके सामने झुकें अपनी परेशानियाँ उसके सामने ले जाएँ किल मतकबिर वो सबसे बड़ा है उसके सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं है लिहाजा सारे मसाइल का हल वहाँ है तो अल्लाह ने इन नामों की मारिफत इसीलिए करवाई है अपने ये कमाल और ख़ुबियाँ इसीलिए जाहिर फरमाई है कि हम इनको मान कर उसके सामने झुकें और उससे अपने आप को जोड़ें अपनी कामिल तो पूरा ताल्लुक उसी के साथ कायम कर दे इसलिए कि बंदे को जब इस नाम की मारिफत हासिल होती कि अल्लाह के सिवा कोई बड़ा नहीं तो फिर वो दुनिया की किसी ताकत के सामने नहीं झुकता कि बड़ा एक है अल्लाह अकबर उसके सिवा कोई बड़ा नहीं है जब ये सारी चीज़ों की बड़ाई उसके दिल से निकलती है तो ना वो किसी हाकिम के सामने झुकता है न किसी जालिम के सामने झुकता है न किसी हुकूमत के सामने झुकता है न किसी ताकत से डरता है इसलिए कि वो जानता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है उससे बड़ा कोई नहीं और उसका ताल्लुक सबसे बड़े से है तो फिर वो क्यों झुकेगा छोटी सी मिसाल ले लीजिए अगर किसी इंसान का ताल्लुक मुल्क के वजी अजम से हो जाए तो वो सूबे के वज़ी अजम से नहीं डरता है इसलिए कि सूबे का वज़ी अजम भी मुल्क के वजीर अजम के मातहत है किसी इंसान का ताल्लुक बड़े आईजी ऑफिसर से हो जाए तो एसपी से पीआई से नहीं डरता है इसलिए कि एसपी और पीआई वो आईजी जी के मातहत हैं, उसके हुक्म के नीचे है तो जिसका तल्लुक अलमुतकबर से हो जाए सबसे बड़ा जो है उससे हो जाए तो फिर ये छोटे छोटों से क्यों डरेगा हमारी पहुँच तो बहुत ऊपर तक है अलमतकबिर से जो जुड़ जाता है उसके साथ जिसका ताल्लुक जुड़ जाता है फिर वो दुनिया की किसी ताकत को अपने ख़ातिर में ही नहीं लाता एक बहुत बड़े मुजाहिद गुजरे अबैदुल्ला मुख्तार गालिबा यही नाम है जहन से निकल रहा है अवैदुल्ला मुख्तार जिन्होंने फ़्रांस के ख़िलाफ़ जिहाद की वो ज़माना ऐसा था कि उस वक्त ये जो तैयारे हैं जहाज़ फाइटर प्लेन वो नए नए आए थे दुनिया में इतने ज़्यादा नहीं थे किसी ने आकर उनसे कहा कि जिस फ्रांस से आपका मुकाबला है उनके पास तो फ़ाइटर प्लेन है ऊपर से हमला करने वाले यानी तुम्हें डरना चाहिए तुम्हारे पास तो ऐसा नहीं है और ना कोई ऐसा हथियार है कि जिससे तुम उनके तैयारे गिरा सको तो वो तो तुम्हें बहुत आसानी से मार डालेंगे तुम्हारे ऊपर बमबारी करेंगे ईमान वाले मोमिन की शान क्या होती है उन्होंने एक अजीब सवाल किया कि वो तैयारे अर्श से ऊपर उड़ते हैं कि नीचे उड़ते हैं क्या सवाल किया वो तैयारे वो जो जहाज़ है फाइटर प्लेन है वो अर्श से ऊपर उड़ते हैं कि अर्श से नीचे उड़ते कहा कि अर्श या वो तो आसमान से नीचे उड़ते हैं या फिर तो कोई बात नहीं उसके ऊपर अर्श वाला है फिर क्या डरने की ज़रूरत है अमेरिका इतनी ताकत को लेकर आया लेकिन अफ़गानिस्तान के नहात् अह इल्म को अहले ईमान को कोले तकवा को वो जेर नहीं कर सका उनको मरअूब नहीं कर सका उनको डरा नहीं सका क्यों इसलिए कि उनका ईमान अल्लाह अकबर पर था कि अल्लाह सबसे बड़ा है अमेरिका की ताकतें बड़ी नहीं है एटम बम और हाइड्रोजन बम बड़े नहीं है वालतकबर पर ईमान लाते हैं लिहाजा दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते हैं और फिर जब वो नहीं डरते हैं तो अल्लाह उनके कदमों में झुका दिखाता है दुनिया देख ले बहरहाल तो अल्लाह ताला ने अपनी शान किबरियाई इसीलिए बयान फरमाई है कि हम उसके साथ अपने ताल्लुक को जोड़ें उसके सामने अपने आप को झुकाएं और उसकी कीवरियाई का एतराफ़ करें जब बंदा अल्लाह की किबरियाई का बयान करता है अल्लाह अकबर और भी अल्लाह ताला की किबरियाई के बहुत सारे अल्फाज कुरान हदीस में हमें सिखाए गए हैं जब उन अल्फाज से बंदा अल्लाह की बड़ाई बयान करता है तो अल्लाह ताला बड़े खुश होते हैं और इस बंदे को फिर बड़ा अता फ़रमाते हैं यानी बंदों के दरमियान वो बड़ा हो जाता है लोगों के दिलों में उसकी अज़मत और उसकी बड़ाई अल्लाह ताला डाल देते हैं बहरहाल तो ये अल्लाह ताला का अलमतकबिर जल जल्ल जला लु बड़ा मुबारक नाम है इसकी मारिफत कुछ हमें हासिल हुई अब उसके बाद की बात यह है कि अल्लाह के लिए सिफत तो बड़ी कमाल की है लेकिन बंदे के लिए ये सिफत बड़ी नुकसान की है बहुत बड़ा ऐब है इससे बड़ा कोई ऐब नहीं अदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वही वसल्लम ने बात बयान फ़रमाई है कि अल्लाह फरमाते हैं हदीसी कुदसी है अल वल उदाई इज़ारी किबरियाई बड़ाई मेरी चादर है और आजमत मेरी इजार है यानी मैं पूरा बड़ाई और अजमत में छुपा हुआ फमनि फी मिनहुमा जो इन दो में से किसी में भी मुझसे छीना झपटी करे यानी मुझसे ये लेने की कोशिश करे मेरी ये सिफत अपनाने की कोशिश करे वो मुतकबर बन जाए वो अपने अंदर किब्र और बड़ाई पैदा कर ले तो मुख्तलिफ अल्फाज़ रिवायतों में फी वाहिद मिनुमा अज्जब तो हूँ बिनार मैं उसको आग में अजाब दूंगा बाजु अल्कई तो हूँ फिनार मैं उसको आग में डालूँगा बाज़ु में कसम तो हूँ वला उबाली मैं उसको तोड़ फोड़ के रख दूँगा और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं लिहाजा इंसान को बहुत डरना चाहिए अपने अंदर तकबुर लाने से अपने आप को बड़ा समझने से किब्रियाई सिर्फ अल्लाह की और किसी की एक और रिवायत में नबी अक्रम सल्ला वसलम ने फरमाया कि मन क्या नफीकल बी मिसकमिन खरदल किब्रखलन का मकाल जिस आदमी के दिल में राय के दाने के बराबर भी तकबुर और बड़ाई होगी वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये सिफत बंदे के लिए बहुत बड़ी ऐब की है इसलिए कि हम बंदे हैं और वो रब है यह रब की सिफत है वो हम कैसे अपना सकते हैं रब रब वब्द रब तो रब है और बंदा बंदा है बंदे को बंदगी सचती है तकबर और बंदगी इन दोनों का जोड़ है ही नहीं ये दोनों कभी साथ में जमा हो ही नहीं सकते मिसाल आप लीजिए बास चीज़ें ऐसी होती है कि उसके अंदर दूसरी चीज़ मिला लो तो वो दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते लेकिन एक बात चीज़ें ऐसी होती कि उसको ज़र्रा बराबर भी बर्दाश्त नहीं करती मिसाल के तौर पर आपके पास दूध है एक लीटर दूध है आपके घर मेहमान आ गए और मेहमान ज़्यादा है आपने उसमें पाँच लीटर पानी मिलाया और दूध का शरबत तैयार किया और पिलाया लोग मज़े से पियेंगे उसकी छाछ बना ली तो और लोग मज़े से पियेंगे और लोगों को ठंडक मिलेगी दिल ठंडे होंगे खुशी होगी इस एक लीटर दूध ने पाँच लीटर पानी को बर्दाश्त कर लिया दोनों में जोड़ है लेकिन पाँच सौ लीटर दूध की टंकी है उसमें एक कतरा लीमू का गिर गया सारा दूध ख़राब हो गया इतने ज़्यादा मकदार दूध ने एक कतरा लीमू को बर्दाश्त नहीं किया इसलिए कि दोनों में मेल है ही नहीं दोनों में जोड़ है ही नहीं आप कितना ही ज़्यादा दूध का पूरा टैंकर है उसमें चंद कतरे नींबू के डाल दो सारा दूध ख़राब हो जाएगा इसलिए कि इन दोनों में जोड़ नहीं है इसी तरह मिसाल के तौर पर समझिए कि अब्दियत और तकबुर इन दोनों में जोड़ है ही नहीं ये दोनों जमा हो ही नहीं सकते अगर अब्दियत में ज़र्रा बराबर राय के दाने के बराबर भी तकबर आ गया तो अब्दियत ख़त्म हो गई वो अब्द अब्द हो ही नहीं सकता जो अपने अंदर तकबुर पैदा करे वो बंदा बंदा हो ही नहीं सकता जो अपने आप को बड़ा समझे हर वक्त तो उसको एहसास होता है कि मैं छोटा हूँ वो बड़ा है चाहे उसको कितना ही बड़ा उहदा मिल जाए कितनी ही बड़ी चीज़ मिल जाए लेकिन उसको ये एहसास रहता है कि मैं बंदा हूँ जैसे बादशाह अपने ग़ुलाम को वक्ती तौर पर कोई अहदा दे दे कि मैं फला जगह जा रहा हूँ वहाँ तक तुम ये मुल्क संभालो अभी वो हक, हुक्मरान है उसके एक दस्तखत पर बहुत सारे काम हो रहे हैं लेकिन उसको एहसास है कि कब तक जब तक हमारा आका चाहेगा वहाँ तक जिस वक्त आका ने नहीं चाह उस वक्त मैं दोबारा अपनी ग़ुलामी पर ही लौटाऊँगा मैं गुलाम ही ठहरा गुलाम आखिर गुलाम होता है तो इंसान के पास कितने ही कमालत आ जाए लेकिन वो ज़ाती कुछ नहीं कभी भी खत्म हो जाएंगे अल्लाह की तरफ से दिए हुए हैं लिहाजा अपने अंदर से तकबुर को निकाले तकबर किसे कहते हैं रिवायतों में है एक साहबी ने सवाल किया अल्लाह के रसूल मेरा दिल चाहता है कि मेरे कपड़े अच्छे हों मेरा जूता बहुत अच्छा हो तो क्या ये तकबर है आपने फरमा नहीं इन नजीफ़ युबाफ़ा इन अला जमील यु इबमाल अल्लाह जमील है जमाल को पसंद करते हैं तो अच्छे कपड़े पहनना ये तकबुर नहीं है अच्छे जूते पहनना तकबुर नहीं है तो फिर तकबुर क्या है फरमाया हक व वमतुलनास तकबर यह है कि आदमी हक़ का इनकार कर दे और लोगों को हकारत की नज़र से देखे यह है तकबर आप लिबास चाहे कितना ही क़ीमती पहने लेकिन कम तरीन लिबास वालों को हकीर नहीं समझ रहे हैं तो आप में तकब्बर नहीं है आप मर्सिडीज गाड़ी में घूमिए लेकिन मारुति वाहन में घूमने वाले को हकीर और साइकिल पर चलने वाले को हकीर नहीं समझते तो आप में तकपुर नहीं गन्नास लोगों को हकीर समझ आप कितने इल्म वाले हो जाए लेकिन किसी जाहिल को हकीर नहीं समझते तो आप तकपुर वाले नहीं है आप कितने ही बड़े महल में रहते हैं लेकिन झोंपड़े वाले को हकीक नहीं समझते हैं तो आप में तकबर नहीं है आप कितने ही खूबसूरत हैं लेकिन किसी बदसूरत और काले कलोटे इंसान को हकी नहीं समझते तो आप में तकबूर नहीं है तो गमतुलनास और पहली चीज़ बतरुल हक हक का इनकार हक बात सामने आए और उसको कबूल ना करें इसलिए कि कहने वाला मुझसे कम दर्जे है तू मुझे कौन कहने वाला उस्ताद है शागर्द ने उस्ताद की कोई गलती बताई और हकीकत में वो गलती थी उस्ताद को चाहिए कि उसको कबूल कर ले एक्सेप्ट कर ले कहाँ मेरी गलती है लेकिन वो यूँ कहता है कि तू आजकल का लड़का मुझे क्या बताने आया ये कबूल नहीं कर रहा है क्यों इसलिए कि बताने वाला कम दर्जे का है तो ये तकबर है हक बात सामने आ जाए और उसको कबूल ना करे ये तकबर है नमाज का हुक्म आया इसको कबूल नहीं किया ये तकबर है ईमान का हुक्म आया और अल्लाह को नहीं माना अल्लाह की कसम उससे बड़ा कोई तकबर नहीं है कुफर शिरक सबसे बड़ा तकबर है काफिर मुशरिक सबसे बड़ा मतकबर है कि इतने बड़े अल्लाह के हुक्म को कबूल नहीं कर रहा है ये तकबर नहीं तो और क्या है बेनमाजी बड़ा मतकबर है कि अल्लाह के सामने तकबर कर रहा है अल्लाह के हुक्म के सामने अपने आप को बड़ा समझता है कि मैं नहीं मानूंगा क्या करना है अल्लाह की शरीयत को मानने से इनकार कर दे विरासत का मसला आया शरीयत कहती है कि आपका हक इतना लगता है और दुनिया की अदालत कहती है कि आपका हक इतना लगता है आप शरीयत को छोड़कर अदालत के फैसले को मान लेते हैं दुनिया के कानून को मान लेते हैं, ये बतरुल हक है हक़ क़ुरान था उसको आपने जुटला दिया किसी औरत को तलाक हुई शरीयत के अतबार से उसको इद्दत का ख़र्च मिलेगा और कुछ नहीं दुनिया की अदालत में वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले गए अब तो हमारे यहाँ भी कि शोहर की मिल्कियत और प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा उसको मिलेगा शरीयत के हुक्म को बड़े बड़े दीनदार छोड़ देते हैं और अदालत का हुक्म लाते हैं कि आधी प्रॉपर्टी हमें चाहिए शरीयत के यहाँ तो सिर्फ इद्दत का खर्च मिलेगा और दुनिया के कानून में आधी प्रॉपर्टी मिलती है शरीयत के कानून को छोड़कर दुनिया के कानून को अपना लिए बतरुल बत्रबर है तो बतरुल हक बकर वमतुलनास इससे अपने आप को बचाएं और इंसान अपने आप को बड़ा किस बुनियाद पर समझे अपनी कौन सी सलाहियत पर क्या अपने रूप रंग पर अपने आप को बड़ा समझता है तो ये रूप रंग तेरा जाति कमाल नहीं अल्लाह का दिया हुआ है अपने लिबास पर तकबर करता है लिबास अल्लाह का बनाया अल्लाह का दिया हुआ है अल्लाह का माल पर तकब्बर करता है माल अल्लाह का दिया हुआ है और कब तक रहेगा आज का अमीर कल का गरीब ये खूबसूरती अल्लाह ने दी है जवानी है बुढ़ापे में जुड़ियाँ पड़ जाएगी रुखसात अंदर चले जाएंगे दांत टूट जाएंगे फिर कहाँ की खूबसूरती किस बात पर इतना आ रहा है आदमी ये अपने बाजू की ताकत पर इतना रहा है कल बुढ़ापे में लोग तुझे व्हील में बिठा कर घुमाएंगे अपने अहदे की ताकत पर इतना रहा है तो ये येदा क्या है कल कुर्सी हटा ली जाएगी जेल पहुँचा दिया जाएगा किस चीज़ पर इंसान तकबर कर अपनी हकीकत को तो सोचे एक नापाक नुतफा नुतफतन कजीरा और मरने के बाद जीफा तुनक गंदा एक जीफा और मुर्दा लाश बन जाएगा और दरमियान में अपने पेट में गोबर लेकर घूमता है किस चीज पर अपने आप को बड़ा समझता है ये तो अल्लाह ने छुपाया है नीचे इंसान के खून चल रहा है अगर कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा ना पाक ऐसा खून लेकर बदन में घूमता है किस बात पर इतरा रहा है इंसान इतना कमजोर है इतना छोटा है कि खून के रग में एक सेल अटक जाए और उसमें ख़राबी आ जाए कभी इंसान के ऊपर लकवा हो जाता है फालिज हो जाता है कभी अगर दिमाग का एक खलिया और एक सेल काम करना छोड़ दे इंसान की याददाश्त ख़त्म हो जाती है। किस चीज़ पर इतना है बहुत बड़ा बादशाह था बहुत बड़ा अफसर था लेकिन याददाश्त ख़त्म हो गई अपना घर पूछ रहा है कि मेरा घर कहाँ है मुझे नहीं मालूम वाकयात दुनिया में होते हैं अल्लाह कभी कभी इबरत के लिए दिखाते बड़ा इतरा रहा था लिहाजा ऐसे वाकयात भी दुनिया में होते एक बहुत बड़ा अफसर था गुरूर था एक मरतबा दिमाग की एक रग बंद हो गई याददाश्त ख़त्म अपना घर ढूंढने में उसको एक घंटा लगा याद ही नहीं आ रहा है कि घर कहाँ है बेटे को देख कर पूछ है तू कौन है कहा मैं आपका बेटा हूँ अब्बा। कहा मैं तो नहीं पहचानता याददाश्त ख़त्म अपनी जबानदानी पर इतरा रहा है एक हमला होता है दिमाग के एक रग में जरा सा क्लोथिंग होती है खून जम जाता है ज़बान बोलना बंद कर दे, गुंगा हो जाता है आदमी कभी बिना ही चली जाती है पेशाब रुक जाए तो और पेशाब अगर चालू हो जाए तो इंसान परेशान किस चीज़ पर इतराए अपनी असलियत पर गौर करे फलीसानम मखल इंसान को गौर करना चाहिए कि वह किस चीज़ से पैदा किया गया मिम न एक नापाक खतरे से जिसके बदन से निकलने पर गसल फर्ज होता है एक आदमी एक मरतब बहुत तकब्बर कर रहा था एक अल्लाह वाले के सामने वो तो जानता है मैं कौन हूँ इंसान बड़े बोल बोलता है मुझे पहचानता है कि मैं कौन हूँ बुजुर्ग यहाँ अच्छी तरह पहचानता हूँ तो वही है एक मरतबा तेरे बाप की शर्मगाह से निकला था और एक मरतबा माँ की शर्मगाह से निकला था ये तेरी हकीकत है लिहाजा इंसान इतराए नहीं बड़े बोल ना बोले अना अना ना करे मैं मैं अपना ही आई एम समथिंग ये अल्फाज अपनी जबान पर ना लाए बड़े बोल ना लाए कभी कभी अल्लाह ताला की ये गैरत जोश में आती है तकनी का नाश नशा देते हैं दस्तारे उतर जाती है इंसान ऐसा जलील होता है कि मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती अल्लाह हिफाजत पर इसलिए हमें यह हुक्म दिया गया है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर रब की ही बड़ा बयान करो अल्लाह अकबर इंसान दिन में कसरत से अल्लाह अकबर का तकरार उसको पैदाइश के मौके से लेकर मौत तक पैदा हुआ था सबसे पहले कान में अजान वामत कही गई थी छः मरतबा इस कान में और छः मरतबा इस कान में बता दिया गया था आज तू छोटा है अपने इसी छोटेपन को याद रखना कल करियल जवान बनकर इतराने ना लग जाना कल माल के नशे में आकर तकबर करने मत लग जाना अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है तू बड़ा नहीं है अजान में छः मरतबा अल्लाह अकबर दिन में पाँच अजानों में तीस मरतबा अल्लाह अकबर अखामत में छः मरतबा पाँच नमाजों में तीस मरतबा वहाँ सुनाया नमाजों में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कसरत से इसका तकरार बार बार कान में डाला गया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर खुद बुलवाया गया कानों के जरिए से सुनवाया गया फिर नमाज के बाद जो तस्वीर पढ़ते हैं तस्वीर फ़ातिमी जिसको देते हैं तैंतीस मरतबा सुबहान अल्लाह तीस मरतबा अलहमदिल्ला चौंतीस मरतबा अल्लाकबर अकबर लेकिन वही बात जो मैंने कही अरबी ने समझने की वजह से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़ जाते हैं लेकिन एक मरतबा अभी अल्लाह की बड़ा दिल में नहीं आती अगर इंसान आज सिर्फ ये सोच ले हम सब कि हम जब भी अल्लाह अकबर कहेंगे उस वक्त अल्लाह की बड़ाई अपने दिल में लाएंगे अपने छोटे होने का एहसास दिल में पैदा करेंगे मैं बड़ा नहीं हूँ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है माल मेरे पास ज़्यादा हो जाए तब भी अल्लाह बड़ा मेरा उहदा बढ़ जाए तब भी अल्लाह बढ़ा इज्जत बड़ी हो जाए तब भी अल्लाह बड़ा इल्म बढ़ जाए तब भी अल्लाह बड़ा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बाज़ाल ने लिखा है कि दिन रात में जहाँ जहाँ अल्लाह अकबर कहने का हमें हुक्म दिया गया है करार दिया गया चारो बसठ मरतबा होता है इतनी मरतबा अल्लाह अकबर कहकर भी कोई इंसान अपने आप को बड़ा समझे हो सकता है लेकिन वही है कि इस लफ्ज का माना जहन में नहीं है अल्लाह की सिफत अलमतकबर को सोचे और फिर सारे लोगों की बड़ाई को दिल से निकाले लोगों की बड़ा अपनी जबान पर इस तरह ना लाया करे बात बात में लोग कहते तो बहुत बड़ा आदमी है बहुत बड़ा आदमी है यह अल्फाज ही लहजा होता है बहुत बड़ा आदमी है अरे कोई बड़ा नहीं है बड़ा हो तो उसके घर का अल्लाह के सामने सब छोटे हैं अल्लाह हो अकबर मोमिन किसी की बड़ाई अपने दिल में नहीं लाता अल्लाह हो अकबर कहकर ऐलान करता है बड़ा सिर्फ़ अल्लाह है बड़ा सिर्फ़ अल्लाह है बड़ा सिर्फ़ अल्लाह है किबरियाई उसी की आजमत उसी की इस बात को खूब अपने दिल में बिठाना है फिर इंसान की ज़िंदगी का मज़ा ही और होता है जब अल्लाह की वब्ब बखा अपने रब की बड़ाई बयान करो और किसी की नहीं ना हम बड़े हैं ना कोई और बड़ा है अल्लाह सबसे बड़ा है फिर वो किसी को ख़ातिर में नहीं रहता जालिम जाविर बादशाह से नहीं डरता इसी अमीर से नहीं डरता इसलिए अल्लाह बड़ा है अल्लाह हो अल्लाह रब भी ला शरीक व भी सैया अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता खुद पसंदी से बचाए उजब से अपने आप को बड़ा ना समझे हर काम से पहले अल्लाह की मदद मांगे वला कुव्वता इल्ला बिल्ला सबक पढ़ने से पहले सबक पढ़ाने से पहले वला कुव्वता इल्ला बिल्ला अपने इल्म पर अपनी जबानदानी पर अपनी फिरासत पर अपनी अक्लमंदी पर एतमाद नहीं अल्लाह बड़े हैं उस पर एतमाद उस पर भरोसा अल्लाह अकबर दीन का काम हो दुनिया का काम हो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा बहुत से लोग कहते बाएँ हाथ का खेले यूँ कर डालता हूँ कोई बड़ी बात ही नहीं, नहीं। ये बाया हाथ का खेल कभी बहुत भारी पड़ जाता है दाना हाथ से भी फिर वो काम नहीं होते इसलिए पकाने से पहले मस्तूरात के अल्लाह तू चाहेगा तो मैं बना सकूँगी मुझे नहीं आता है, तू सिखा दे ना लाना तना हर चीज़ में कोई बड़ा डॉक्टर है अपनी डॉक्टरी और अपने इल्म पर नाज ना करें एक मुसलमान डॉक्टर के बारे में किताब में लिखा है बड़ा सर्जन है माहिर जब मरीज़ उसके सामने लाया जाता है और अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में उसको लिठा दिया जाता है सारे सामान तैयार हो जाते हैं वो दो रकात नमाज पढ़ता है अल्लाह के सामने गिड़गड़ाता है अल्लाह ये लेकर बैठा हुआ इस्बाब इख्तियार किए हैं बड़ा तू है इल्म तेरा है मैं तो उसबाब के दर्जे में इख्तियार करूंगा तू चाहेगा तो ये ऑपरेशन कामयाब होगा हर चीज़ में अल्लाह की मदद मांगे फिर इंसान का इस नाम से सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि अपने आप को उसके सामने छोटा समझे खुद तकबूर न करे इस नाम का असर उसके दिल पर आना चाहिए मुख्तलिफ चीज़ों पर लोग इतराते हैं कभी रंग पे इतराते हैं कभी रूप पे इतराते हैं अपनी खूबसूरती को देखकर लोग ये समझते हैं कि अपना चेहरा आईने में देखकर इंसान इतराता है और फिर एक वाक़ लिखा इबरत के तौर पर जिक्र करता हूँ कि एक मुल्क के शाम में एक बड़ा खूबसूरत नौजवान था बाज़ लोगों को अल्लाह ने ऐसी खूबसूरती देख दी दि होती है कि उसको देख इंसान थोड़ी देर के लिए हैरत में रह जाता है देखते ही रह जाता है तो बड़ा खूबसूरत नौजवान था वो रास्ते से गुजर रहा था एक अल्लाह के बंदे थे उन्होंने उसको देखा तो उनको भी हैरत हुई अल्लाह की कुदरत पर अल्लाह की तख्लीक पर अल्लाह की तस्वीर पर कि अल्लाह ने कैसी बेहतरीन इसकी सूरत बनाई है वो देखते रहे उसने देखा कि मुझे देख रहा है तो क्या देखते हो क्या कि मैं हैरान हूँ अल्लाह ताला की कुदरत पर कि अल्लाह ने तुझे इतनी खूबसूरती दी है तो उसकी ज़बान से एक बड़ा बोल निकला उसने अजीब बात कह डाली अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए उसने अजीब बात कह डाली कहा कि मेरी खूबसूरती को देख कर तो पैदा करने वाला भी हैरान है नाउज़ुबिल्ला नाऊज़बिल्ला नाऊजुबिल्ला फ़ौरन अल्लाह की पकड़ आई कभी कभी अल्लाह की पकड़ फ़ौरन आती फ़ौरन अल्लाह की पकड़ आई और जो उसका कद्दो काठ बहुत अच्छा था हाइट बॉडी बहुत अच्छी थी रूप रंग बहुत अच्छा था फ़ौरन वो सिकड़ना शुरू हुआ छोटा होना शुरू हुआ सबके सामने बाजार में यहाँ तक कि वो एक बालिश से भी छोटा रह गया लिखा है किताब में कि एक आदमी उसका रिश्तेदार उसको थैली में डाल कर ले गया कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी पकड़ फरमाते हैं इसलिए बड़े बोल से अपने आप को बचाना चाहिए बहुत सी मरतबा इस तरह के जुमले हम बोलते तो नहीं लेकिन अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमाए इस तरह के गाने चलते हैं कि जिसको हम जानते नहीं हैं लेकिन उसमें ऐसे अल्फाज हम छोटे थे उसको कि गाना चलता था नकल कुफर कुफ्र नबाशत रंग तेरा देख कर रूप तेरा देख कर कुदरत भी हैरान है नवाजुबिल्ल जिस अल्लाह ने पैदा किया वो कैसे हैरान हो इस तरह के गाने लोग एक दूसरे की तारीफ़ में खूबसूरती को ज़ाहिर करने के लिए इस तरह के कुफ्रिया शर्किया कलिमात बोलते हैं अल्लाह अपनी बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए इल्म हासिल करना चाहिए बहुत से इस तरह के अल्फाज फिल्मों में गानों में आते रहते हैं जो ईमान को ख़त्म कर देते हैं बहुत से ऐसे गाने हैं जो ईमान को ख़त्म कर देते हैं बहुत से ऐसे जुमले हैं जो ईमान को ख़त्म कर देते हैं आजकल अखबारात में बहुत सी इस तरह की चीज़ें आती हैं जो इंसान के ईमान को ख़त्म कर देती है आज कल एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा चलता है कॉरोना कहर, कोरोना का कहर गुजराती में कहर बोलते हैं अरबी में असल कहर लफ्ज़ है कहर का मतलब जुल्म होता है कोरोना क्या चीज़ है वो अल्लाह की बेजुई एक मखलूक है उसका कहर कुदरत नौ नौजुबिल्ला इस तरह के लफ्ज़ होते हैं कुदरत नो कारो कहर नौजुबिल्ला इस तरह के अल्फाज से अपने आप को बचाना चाहिए अल्लाह की असमत न होने की वजह से उसकी मारिफत न होने की वजह से इस तरह के कुफ्रिया शर्किया कलीमत और जुमले चलते रहते हैं और अनजाने में बहुत से मुसलमान भी अपनी ज़बान से बकते हैं और मरतब ईमान से निकल जाते हैं इसलिए न कभी अपने रंगो रूप पर इतराना चाहिए न अपने मालो दौलत पर न अपने हसन व जमाल पर न अपने इल्म अमल पर न किसी और चीज़ पर हर चीज़ में अल्लाह का एहसान समझे मतकबर वही है अपने आप को तकबर से बचाए खैर तकबर से बचने के असबाब और उसकी बुराई मुस्तकिल इसके बयान भी है यूट्यूब चैनल पर भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे गुजशत साल इस तरह के बयान मुस्तकिल और पर हुए थे अभी तो इसका मौका नहीं है आज तो हमें अलमुतब भी रू जल जलाू को समझना था थोड़ी बहुत हमने समझने की कोशिश की याद रखिए कि अल्लाह तला की मार्फत अल्लाह तल्ला के सिवा कोई नहीं पहचानता अल्लाह ही है जो अपनी की कामिल मार्फत रखते हैं बाकी पूरे इंसानों की मारफत जितनी है वो समुंदर में से एक सुई डाली जाए और उस पर जितना पानी आता है वो हम सब की मारिफत है और अल्लाह ताला की मारिफत वो समुंदर है ज़रा समुंदर कभी देखा है उसके जो पैमाना है इंसानों के पास उसका कोई पैमाना नहीं आलम या आलमकबिहार अल्लाह जानता है कि समुंदरों में कितना गैलन और कितना लीटर पानी है उसमें से एक सुई पर लगने वाला पानी कितनी हैसियत रखता है हम सब का इलम इतनी हैसियत रखता है अल्लाह ताला की मारिफत ला महदूद है अल्लाह हमें इस नाम की बरकतें अता फ़रमाए अपनी किबरियाई हमारे दिलों में बिठा दे अपनी अजमत हमारे दिलों में बिठा दे अल अलमतकबिर जल जलालु भी हो गया अल कबीरु जल जलालू दोनों एक ही माना में अल्लाह बड़ा है इस तरह आगे इंशाल्लाह जब वो नाम आएगा वहाँ से हम गुजरेंगे लेकिन उस वक्त ये तफसत नहीं बयान की जाएगी इसीलिए पहले से कहा था कि पाबंदी से इन दुरुस्त में शिरकत करें ताकि अब आइंदा जब आएगा तो हम सिर्फ हवाला देंगे कि इसके बारे में पीछे बात गुजर चुकी है अल्लाह ताला हमारे इस दर्स को बेानतहा कबूल फ़रमाए अपनी किवरियाई और अपनी अजमत हमें अता फ़रमाए वाखिर अनिल्हबिलमी सुबह ही सुबह